जोर लगाया मूवी को हिट कराने के लिए, क्यों तरक्की राह आसान नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं अवरा सना आज आपके लिए लेकर आई हूँ तरप मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू मूवी तरप सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। तरप के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस मूवी को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज था, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला। मूवी ने पहले ही दिन ठीक ठाक कमाई करके साबित कर दिया कि लोगों को लव स्टोरी आज भी काफी पसंद आती है। शुक्रवार को रिलीज होने वाली तरप का मुकाबला बंटी बबली 2, सूर्यवंशी, सत्यमेव जयते 2 और सलमान खान स्टारर मूवी अंतिम से था। इसके चलते माना जा रहा था कि तरप की राह आसान नहीं होने वाली है, पर सुनील शेट्टी ने भी बेटे की डेब्यू मूवी को हिट कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। मूवी को 1600 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया और इसके पहले मुंबई में एक प्रीमियर शो रखा गया, जहां इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को न्योता दिया गया। अहान शेट्टी की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है दर्शकों। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तरप ने पहले दिन 4 करोड़ के करीब कलेक्शन किया है, जो कि सत्यमेव जयते 2 के 3 करोड़ के कलेक्शन से काफी ज्यादा है। तो वहीं सलमान खान और आयुष शर्मा की अंतिम ने पहले दिन 4.75 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि तरप के लिए शनिवार और रविवार कमाई के लिहाज से काफी अहम रहने वाले है। माना जा रहा है कि ये मूवी युवाओं को ज्यादा पसंद आ रही है, तो छुट्टी के दिन दर्शकों की संख्या से इजाफा होने की उम्मीदें हैं। तरप का पूरा बजट 35 करोड़ का रहा है। ऐसे में अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस में अपना प्रॉफिट निकाल लेती है तो इससे अहान शेट्टी के करियर को उड़ान मिल जाएगी। बता दें कि मूवी को देश में 1656 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, वहीं विदेश में इससे 451 स्क्रीन मिले। तरप तेलुगु की सुपरहिट मूवी RX100 की हिंदी रीमेक है। इसका निर्देशन मिलन ने खुद किया है। मूवी में अहान के साथ तारा सुतारिया भी है। वेल दर्शकों, क्या आपने देखी तरप? आपको कैसी लगी अहान की पहली डेब्यू फिल्म? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू।